व्यवस्था को लेकर छत्तीसगढ़ विधानसभा घेराव का आह्वान किए कांग्रेसियों ने दुर्ग के राजीव भवन में आवश्यक बैठक आयोजित की और रणनीतियां बनाई। इस अवसर पर पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित अन्य लोग शामिल हुए। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग शहर ग्रामीण व भिलाई के द्वारा संयुक्त रूप से कानून व्यवस्था को लेकर अपनी नाराजगी जताते हुए इस पर विरोध जताया गया। इसी कड़ी में शनिवार को दुर्ग के राजीव भवन में आयोजित बैठक में बड़ी संख्या में उपस्थित कांग्रेसियों ने अपनी रणनीति बनाकर आगामी 24 की छत्तीसगढ़ विधानसभा घेराव करने आह्वान किया। इसी कड़ी में दुर्ग में आयोजित आवश्यक बैठक में पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू, बद्रुद्दीन कुरैशी, अरुण वोरा, राजेंद्र साहू, प्रतिमा चंद्राकर, प्रदीप चौबे प्रमुख रूप से शामिल हुए। इस दौरान सभी वरिष्ठ नेताओं ने एक स्वर में इस कानून व्यवस्था पर जमकर नाराजगी जताई। साथ ही सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को बड़ी संख्या में शामिल रहने आह्वान किया। इस संबंध में पीसीसी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रतिक्रिया दी। दुर्ग ग्रामीण तीनों जिला कांग्रेस कमेटी की संयुक्त बैठक में दीपक बैज हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उपस्थित रहे। 24 तारीख को कानून व्यवस्था को लेकर विधानसभा घेराव प्रदेश कांग्रेस कमेटी करने जा रही, उसकी तैयारी के संदर्भ में बैठक आयोजित की गई थी। आज पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब है। हत्या, डकैती, बलात्कार, गोलीबारी, चाहे भिलाई हो, रायपुर हो, सब जगह देखने सुनने को मिल रहा है। आज आम लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। तो ऐसे में ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर विधानसभा का घेराव किया जाएगा। यहाँ हजारों लोग जाएंगे, सैकड़ों गाड़ियाँ जाएंगी दुर्ग जिले से। देखिए, घटनाएं तो होती रहती है और हमारे जवानों ने बढ़ कर अपना प्रदर्शन भी किया, सर्वोच्च बलिदान भी दिया, लेकिन दुर्भाग्य है शासन की जो नीति है उसमें जो भोले भाले आदिवासी हैं उसको या तो फर्जी गिरफ्तारियां हो रही है या फर्जी इनकाउंटर भी हो रही है। हाँ, हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है एक्सीडेंटल सरकार। छत्तीसगढ़ विधानसभा घेराव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया है कि आने वाला 24 तारीख को प्रदेश की लचर कानून व्यवस्था को लेकर, बिगड़ते कानून व्यवस्था को लेकर विधानसभा कांग्रेस पार्टी घेराव करेगी और 25,000 से 30,000 संख्या में पूरे प्रदेश से कांग्रेस के कार्यकर्ता आएंगे और हमारा घेराव शांतिपूर्वक रहेगा, क्योंकि लगातार प्रदेश में लूट, हत्या, चोरी, डकैती, अपहरण, गोलीकांड, चाकूबाजी और चैन स्क्रीनिंग जैसे मामला लगातार आ रहे हैं, लेकिन प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। सरकार पूरी तरह से असफल और विफल हो चुकी है। इसके विरोध में 24 जुलाई को प्रदेश कांग्रेस कमेटी विधानसभा घेराव करने का ऐलान किया है। उसी तारतम्य आज तैयारियों को लेकर हम लोग दुर्ग जिले में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं का बैठक रखा गया है, जिसमें तमाम कार्यकर्ताओं ने आह्वान किया है कि दुर्ग और भिलाई से सबसे बड़ी मात्रा संख्या में हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता रायपुर शिरकत करेंगे। देखिए, सरकार चलने के बाद निश्चित रूप से हमारी सरकार ने जनता के हित के लिए प्रदेश के इतने बेहतर काम किए, आज इसी के बदले की भावना से भारतीय जनता पार्टी हमारी कामों को कभी नाम बदलने का काम, कभी बंद करने का काम कर रही है। 8 महीने में प्रदेश की सरकार ने कुछ भी काम नहीं किया नाम बदलने और काम को बंद करने के अलावा। ठीक है, कार्यकर्ताओं में कमी बेसी हो सकती है, लेकिन हम हमारे कार्यकर्ता का मनोबल कम नहीं हुआ है, हमारे कार्यकर्ता मनोबल बढ़ा है और आने वाला समय में हमारे कार्यकर्ता मजबूती के साथ सरकार के खिलाफ में 5 साल लड़े। सिर्फ दो ही नहीं, कई योजनाएं बंद की। आज का पेपर में आप देखेंगे कि हमारी सरकार ने
जो जमीन अलॉट की थी गरीब परिवारों के लिए, सामाजिक भवनों के लिए, सामाजिक कार्यों के लिए, आज उनको भी निरस्त करने का ऐलान किया है। आखिर आखिर सरकार कहां से चल रही है, मैं जानना चाहता हूं। गेड़ी चलना कोई बनावटी था क्या? हमारी सरकार ने तो गेड़ी चढ़ना भी सिखाया था, भारतीय जनता पार्टी 15 साल में भूल गई थी। लेकिन देखिए, हमारी सरकार का मकसद था कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति को फिर से जिंदा रखें, उनको जीवित रखें और उसको फिर से संचालन हम करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद सभी पुरानी संस्कृतियों को उन्होंने बंद करने का ऐलान किया। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? देखिए, ये तो एक्सीडेंटल सरकार है, राम जी का आशीर्वाद अयोध्या में देख लिए, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी खुद को भी भरोसा नहीं था कि छत्तीसगढ़ में सरकार बनेगी। इसलिए ये सरकार एक्सीडेंटल सरकार है, इसलिए इस सरकार के पास ना कोई नीति है, ना कोई प्लानिंग है, ना कोई इनके पास योजनाएं हैं। सिर्फ काम करना छोड़, सिर्फ कांग्रेस की लिखा हुआ किताबों के पन्ना को पलटने के सिवाय इस सरकार ने कुछ भी नहीं किया। हम तो पूछना चाह रहे हैं, आप किसको बचाने के लिए एसआईटी गठित किए थे? पूरे प्रदेश की जनता जानती है कि हत्या हुई है 3 लोगों की, लेकिन हत्या करने वाले कौन? भारतीय जनता पार्टी के संगठन से जुड़े हुए लोग। उनको बचाने के लिए एसआईटी गठित किया है सरकार ने और उनको क्लीन चिट देने का काम कर रही है। लेकिन समाज मांग रही है और हम लोग भी चाह रहे हैं कि एसआईटी पे भरोसा हमको नहीं है, इस सरकार पे भरोसा नहीं है। इसलिए बिल्कुल वर्तमान जज से न्यायिक जांच इस मामले को सरकार को हैंडओवर करना चाहिए। देखिए, सरकार के पास ना कोई जनगणना का आंकड़े है, 2011 का जनगणना का आधार परिसीमन कर रही है किस आधार पर? क्योंकि उनको पता है कि अगर हम लोग अगर चुनाव लड़े तो वो चुनाव हार जाएंगे। इसलिए परिसीमन में कोई कांग्रेस के वार्डों को तोड़ मरोड़ करने का काम कर रही है। लेकिन हमारे कार्यकर्ता, हम लोग निर्देशित कर दें तमाम जिलाध्यक्षों को कि निगरानी बनाए रखें और दावा आपत्ति करें। हम लोग नगरीय निकाय चुनाव मजबूती के साथ लड़ेंगे, हमारे कार्यकर्ताओं को हम लड़ाएंगे और हम लोग इस समय जीत के आएंगे। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।